नमस्कार, आज हम आपके लिए सीटेट एग्जाम 2020 5 जुलाई के लिए एक नंबर लेके आए हैं। जी हाँ, एक नंबर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो अभी तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं उसमें से इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। जी हाँ, एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। मेरी गारंटी है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक नंबर जो आपका सीडीपी वाले पोर्शन में 100% आएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हम आज टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था, 1983 में। जी हाँ, 1983 में हावर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। बहुबुद्धि के सिद्धांत को अंग्रेजी में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप बुद्धि के जब और सिद्धांत पढ़ेंगे तो हिंदी के नामों के कारण काफी सारा कंफ्यूजन पैदा होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बुद्धि के जितने भी सिद्धांत आप पढ़ें तो कृपया करके आप उनको अंग्रेजी वर्जन में याद करें। अंग्रेजी वर्जन से आपको एक नंबर जो आपका गलत होने का चांस है वो नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और कोई आपसे पूछे कब दिया गया था तो उसका आंसर होगा 1983 में। 1983 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या नाम है? मल्टीपल इंटेलिजेंस जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक में 1983 में कितने प्रकार बताए हैं बुद्धि के, तो आंसर होगा 7 प्रकार। 7 टाइप बताए हैं इन्होंने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक में। कौन कौन से वो 7 प्रकार हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रकार है भाषाई बुद्धि, लैंग्वेस्टिक जिस इंटेलिजेंस, इसके डिटेल में अभी हम चर्चा करेंगे, पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 7 प्रकार हैं। दूसरी है तार्किक या गणितीय बुद्धि, लॉजिकल या मैथमेटिकल। तीसरी है स्थानिक स्पाशियल। चौथा है शारीरिक गतिज बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। पांचवा है संगीतात्मक बुद्धि या संगीत बुद्धि, जिसको हम कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। छठवा है अंतःव्यक्तिक इंटरपर्सनल। सातवां है अंतःव्यक्ति इंट्रापर्सनल। ये जो 7 प्रकार हैं, 7 प्रकार इन्होंने 1983 में अपनी पुस्तक मल्टीपल इंटेलिजेंस में बताए थे। लेकिन एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, और एनसीईआरटी आपके सीटेट के एग्जाम को जो कंडक्ट करता है सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी की किताबों में से वहां इसके प्रकारों को माना गया है 8। तो अगर आपसे पेपर में सीटेट के में पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांतों में कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई है, तो आप बताएंगे 8 प्रकार। इस बात को, कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में सन 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार बताए थे, तो आंसर होगा 7। लेकिन जो आजकल की एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं उनमें हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में प्रकार हैं कितने? 8। आइए आज अब कुछ नया देखते हैं इस बुद्धि के सिद्धांत में। और वो नया है कि जो रॉबर्ट स्लाविन नाम का व्यक्ति है उसने सन 2009 में इन 7 प्रकारों में 2 प्रकार और जोड़े। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, आठवां था प्रकृतिवादी बुद्धि, और नौवां है अस्तित्ववादी बुद्धि। एक बार हम इस बात को और क्लियर कर दें कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने सर्वप्रथम 7 प्रकार बताए थे। एनसीईआरटी जो सीबीएसई कंडक्ट करती है सीटेट का पेपर, उसमें 8 प्रकार बताए गए हैं। कई बार सीटेट के पेपर में बुद्धि के 8 प्रकारों का जिक्र हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताए गए 8 बुद्धि के 8 प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है। इस
तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनकी चर्चा हम जब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे सीटेट के लिए उसमें करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि सर्वप्रथम हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में सात प्रकार बताए थे। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आठ आंसर होगा, लेकिन उसके अलावा किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन और उसमें नौ प्रकार दिए गए हैं तो आप जाएंगे फिर नौ के साथ, क्योंकि सन 2009 में रॉबर्ट इस्लाविन इस्लाविन नाम का जो व्यक्ति है उसने दो प्रकार और जोड़ दिए हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। आइए चर्चा करते हैं इनके डिटेल में, इन अलग अलग प्रकार की बुद्धियों के बारे में। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्रकृति बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। यहां पे एक बात और आपके लिए जानना जरूरी है कि हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत को मल्टीपल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक में बताया है। इनकी दो रचनाएं बहुत जरूरी है आपको जानना, एक का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस और दूसरी पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। दोनों पुस्तकें आप नोट कर लीजिए, पहली पुस्तक मल्टीपल इंटेलिजेंस और दूसरी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड। यहां पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो बुद्धि का कॉन्सेप्ट है, बुद्धि के कॉन्सेप्ट में हार्वर्ड गार्डनर से पहले कई प्रकार के सिद्धांत दिए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो अल्फर्ड बिने ने दिया था, फिर थॉर्नडाइक ने दिया है, फिर स्पीयरमैन ने दिया है। उनकी चर्चा सीटेट के एग्जाम में को जरूरी करना नहीं है, इसलिए हमने उन टॉपिकों को अभी के लिए छोड़ दिया है। हालांकि उनकी भी वीडियो हम अपने अगले सेशन में उनके ऊपर लेके आएंगे। यहां समझना ये जरूरी है कि हार्वर्ड गार्डनर बताना क्या चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि बहु प्रकार की होती है, बुद्धि बहुआयामी होती है, किसी एक तत्व से मिलकर बुद्धि ही बनी होती है। तभी तो ये आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये पाया है कि बुद्धि जो हमारी है वो किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है बुद्धि, अनेक प्रकार के स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है, प्रत्येक तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ये बात एक बार सीटेट में पूछी जा चुकी है कि क्या प्रत्येक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न होता है। जी हाँ, अलग अलग प्रकार की बुद्धियां अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाती हैं, जैसे भाषाई बुद्धि पाई जाती है, तार्किक बुद्धि, स्थानिक, शारीरिक गतिज, संगीतात्मक, अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अलग अलग प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं और किसी भी व्यक्ति में एक से अधिक बुद्धियां पाई जा सकती हैं जिनका प्रयोग अलग अलग योग्यताओं को करने के लिए व्यक्ति करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषाई बुद्धि के बारे में। जिन लोगों में भाषाई बुद्धि पाई जाती है वो लोग अच्छे भाषा को बोलने वाले, अच्छी अपनी बात को लिखने वाले, उन लेखकों और उन कवियों में जिनमें अपनी बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की क्षमता पाई जाती है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा उनमें भाषाई बुद्धि होती है। यहां हम एक बात और क्लियर कर दें कि आपसे अगर पेपर में पूछा जाता है कि जिन व्यक्तियों में लेखन क्षमता अच्छी होती है, जिन जिन व्यक्तियों में अपनी बात को कहने की अच्छी क्षमता होती है, उन लोगों में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, भाषाई बुद्धि। अगली बुद्धि की बात करते हैं, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें अपनी समस्या को समाधान करने की क्षमता, गणितीय संक्रियाओं को करने की क्षमता और वैज्ञानिक तरीके से सोचने की क्षमता जिन व्यक्तियों में पाई जाती है उनमें पाई जाती है तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। यहां हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन सब में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तार्किक एवं गणितीय बुद्धि पाई जाती है। चाहे वो गणितज्ञ हों उनमें भी तार्किक एवं गणितीय बुद्धि पाई जाती है, और जो नोबेल विजेता होते हैं, नोबेल विजेताओं में भी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तार्किक एवं गणितीय बुद्धि पाई जाती है। अभी आप देख रहे हैं तीसरा प्रकार, स्थानिक बुद्धि, स्पाशियल। जिन लोगों की दृश्य एवं बिंब, इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे, जिन लोगों में दृश्य बिंब या प्रतिरूप मॉडल बनाने की अच्छी क्षमता होती है, दृश्यात्मक क्षमता जिन लोगों की अच्छी होती है, उन लोगों में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। जिन लोग नक्शा की जानकारी रखते हैं, दिशाओं की जानकारी रखते हैं, इस बात को आप नोट करेंगे कि गणित की जो पेडागोजी होती है उसमें एक प्रश्न कई बार आया है कि स्थानिक
स्थानिक जो बुद्धि है, स्थानिक जो बुद्धि है, मैं आपको अपनी बुद्धि के बारे में जो बता रहा हूं, स्थानिक जो बुद्धि है वो उन लोगों में पाई जाती है जैसे कि विमान चालक होते हैं, जो हवाई जहाज के पायलट हैं। ये वाला क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछा जा चुका है कि एक हवाई जहाज के चालक में कौन सी बुद्धि होगी, तो उसका नाम क्या होगा? स्थानिक बुद्धि। जैसे नाविक हैं जो नाव चलाते हैं, उसमें कौन सी बुद्धि? मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार। ये सभी उदाहरण यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये किन लोगों में पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि रखने वाले लोगों में। अगली बुद्धि का बात करते हैं, शारीरिक गतिज बुद्धि। शारीरिक गतिज बुद्धि का मतलब होता है कि अपने संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखना या अपने संपूर्ण शरीर के किसी भाग को अच्छी तरह से लचीलापन देना, लचीलापन ले आना अपने संपूर्ण शरीर के किसी भाग में, उनमें पाई जाती है शारीरिक गतिज बुद्धि। जैसे जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, जो अपने शरीर पर अच्छा नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, जो डांसर होते हैं, जो अपने शरीर को कहीं से भी तोड़ मरोड़ देते हैं, उन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गतिज बुद्धि। और देखते हैं अभिनेताएं, जो भी कलाकार होते हैं, जो 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 अपने शरीर को कहीं से भी तोड़ मरोड़ देते हैं, उन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गतिज बुद्धि। और खिलाड़ियों में जिम्नास्टिक हैं या शल्य चिकित्सक हैं, जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उनमें भी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गतिज बुद्धि। पांचवी बुद्धि की बात करते हैं, संगीतात्मक बुद्धि। जो लोग संगीत की जानकारी रखते हैं, ध्वनियों की जानकारी रखते हैं, लय ताल स्वर की जानकारी रखते हैं, उन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतात्मक बुद्धि। यह भी इसमें से भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। यह दिया था कि एक बच्चा संगीत में रुचि रखता है तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? संगीतात्मक बुद्धि। क्योंकि हम यहां पे उन प्रश्नों की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा तो हम जब इनके क्वेश्चन करवाएंगे तो कोई भी जो प्रश्न होगा जो सीटेट में आया हुआ होगा आपसे नहीं रहेगा। अगली बुद्धि की बात करते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यहां समझने की बात है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरपर्सनल, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है कि जो लोग दूसरों के मनोभावों को जानते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? जो लोग दूसरों के मनोभावों को समझते हैं। यहां इन दोनों बुद्धियों में कंफ्यूजन की स्थिति न हो कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में अंतर क्या है, तो इसकी अंग्रेजी जो है उससे क्लियर होगा मामला। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को कहते हैं इंटरपर्सनल और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को कहते हैं इंट्रापर्सनल। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है दूसरों के मनोभावों को समझने वाले और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है अपने मनोभावों को समझने वाले। दोनों बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए कि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है उसको कहेंगे इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है कि दूसरों के मनोभावों को समझना। अंतर्व्यक्ति इंट्रापर्सनल का मतलब होता है अपने मनोभावों को समझना। तो जो दूसरों के मनोभावों को समझकर उनके अनुसार कार्य करते हैं, उन लोगों में कौन कौन होते हैं? मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अंतर्व्यक्ति, इंट्रापर्सनल, जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जिसमें दार्शनिक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि अपनी कमियों को जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनमें सुधार करते हैं और दूसरे लोगों से अच्छे और मधुर संबंध बनाते हैं। अगली बुद्धि के बारे में बात करते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जैसे किसान है, वनस्पति वैज्ञानिक हैं, जितने भी पर्यटक हैं, जितने भी जो एक दूसरे से दूसरे राज्य में घूमने फिरने वाले होते हैं, उन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? प्रकृतिवादी बुद्धि। जैसे शिकारी हैं, उन लोगों में भी कौन सी बुद्धि पाई जाती है? प्रकृतिवादी बुद्धि। और वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी, जो नेचर को पसंद करते हैं, प्रकृति से जिनका लेना देना होता है, उन लोगों में पाई जाती है प्रकृतिवादी बुद्धि। और लास्ट है नौवां प्रकार, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जिनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अत्यधिक होती है, जो हमेशा मंत्र मुग्ध रहते हैं, जो किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, उन लोगों में पाई जाती है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो यहां पर आज हमने यह पढ़ा कि जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसको
सीटेट में से एक क्वेश्चन उसमें से आना ही आना है, इसलिए आज हम ये टॉपिक आपके लिए लेके आए थे। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की आलोचना क्या की जाती है। आलोचना की बात करें तो इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि निकाली जाती है, वो बुद्धि का ठीक तरह से मापन संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि फलाना व्यक्ति में इतनी बुद्धि होगी होगी, इस बात पे अभी पूरा शोध हुआ नहीं है, चल रहा है। हम ये IQ निकाल सकते हैं लेकिन वो बुद्धि का ठीक तरह से मापन नहीं होता है। तो बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि जब बुद्धि का मापन ही नहीं हो सकता तो इन 8 और 9 प्रकारों का मापन ठीक तरह से कैसे होगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है कि आप विभिन्न बुद्धि के 8 प्रकारों का मापन संभव नहीं है। कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति में भाषाई बुद्धि कितनी है, कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति में तार्किक बुद्धि कितनी है, कैसे पता चलेगा कि ये वाली बुद्धि कितनी है, कैसे पता चलेगा कि ये वाली बुद्धि कितनी है, कैसे पता चलेगा कि ये वाली बुद्धि कितनी है। हम 9 प्रकारों में से हम कैसे बता पाएंगे कि उस व्यक्ति में इतनी बुद्धि है, ये इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इस सिद्धांत की सबसे अच्छी बात जो हमने आपको शुरू में बताई थी वो ये है कि ये बुद्धि ये बताती है कि बुद्धि बहुआयामी होती है, किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, अनेक कारकों से मिलकर बनी है, तभी इसका नाम है बहुआयामी बुद्धि। एक शिक्षक को अलग अलग रूपों में अलग अलग व्यक्ति बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के, जैसे किसी व्यक्ति को संगीतात्मक बुद्धि रखने वाला कोई बालक है तो उसको शिक्षक को इस बुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, इस बुद्धि पे अगर कोई व्यक्ति ध्यान देता है तो उसको इस पे ध्यान देना चाहिए, अगर कोई बालक में ये वाली बुद्धि है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। अलग अलग रूपों में अलग अलग व्यक्तियों में जो बुद्धि पाई जाती है उसका एक शिक्षक को निखार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके हमें कमेंट करें, इसके लिए हम आपको दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जिसमें होंगे इनके सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।